मेरा घर बन रहा था। सो भाई फाइनली ये लास्ट टाइम लग रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे हो। सो गाइस फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं चैनल पे आया हूँ, बहुत टाइम के बाद आपसे बात कर रहा हूँ या आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस इस चीज़ की वजह ये थी कि मेरा घर बन रहा था। आपको पता होगा, जैसे कि जो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा कि मेरा घर पहले से ही बन रहा था। जब मेरे दादाजी थे तब से मेरा घर बन रहा था। मेरा घर बन रहा था बहुत पहले से, जब मैं गणपति जी को लेके आया था तब से मेरा घर बन रहा है। बट वो घर बन रहा था, फिर बीच में दादाजी बीमार हो गए, फिर उनकी डेथ हो गई थी बीच में, आप लोगों को पता है वो बातें। सो वहीं पे वो रुक गया था काम। हमारे घर की छत थी ना, जो मैन छत थी, वो टूट मतलब तुड़वा दी थी हमने, वो तुड़वा दी थी। वो ऐसे ही रखी हुई थी क्योंकि हम काम नहीं स्टार्ट करवा पा रहे थे, इसीलिए फिर वो काम स्टार्ट हुआ भाई, घर बनना स्टार्ट हुआ, फिर टाइल्स वगैरह लगनी स्टार्ट हुई। इस कारण मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रहा था और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। मेरी बियर्ड्स देख सकते हो आप कितनी बड़ी हो रखी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये बियर्ड बड़ी हो रखी है। हेयर कट भी नहीं करवाया मैंने, शक्ल का भी बुरा हाल हो रखा है। सो मेरा किसी चीज़ में ध्यान नहीं था, बिकॉज मेरा घर बन रहा था, मैं यहाँ पे बिजी था बहुत ज़्यादा, लेबर्स लगे हुए थे भाई, काम करना होता था, ठीक है। सुबह 9 बजे उठ जाओ, फिर शाम को 6-7 बजे तक काम करते रहो, ऐसा सीन चल रहा था और मैं काम ही काम में बिजी हो रखा था, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था, डांस की वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। कल ही मैं फ्री हुआ हूँ, 5 जनवरी को मैं फ्री हुआ हूँ, मतलब आज 6 जनवरी है। कल मैं फ्री हुआ था शाम को, कल मैंने छोटी सी क्लिप भी बनाई थी एक, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आज 6 जनवरी है तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँ। किचन वगैरह सब कुछ न्यू हुआ है ना, सो इसलिए मम्मी ने सोचा कि उनको कंचकाई बिठानी चाहिए माता की। मम्मी आज कंच का बिठाएगी भाई न्यू किचन के कारण, उन्होंने ओपनिंग की एक तरह से न्यू किचन की। सो थोड़ा सा मैं आपको होम टूर भी दूंगा मेरा, अभी सफाई नहीं हो रही भाई, अभी गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं होम टूर दूंगा आपको। सो चलते हैं नीचे। हेलो गाइस, हमारे कैमरा मैन पोपट हो गया भाई, हमारा भाई इतना सारा बोल रहा, इतना सारा बंद करके वीडियो बन सी बोल वीडियो बनी भी नहीं यार, क्या चल फिर से बनाते गाइस, कोई बात नहीं, सेकंड टेक। अभी क्या कुछ घर में नया हुआ मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले हमारे आए थे बिजली वाले बोर्ड भाई, ठीक है, ये हमने न्यू फिक्स करवाए, इसके बटन भी न्यू स्टार्ट किया, अगर ऑन रहेगा तो वो अंदर चला जाएगा बटन, अदरवाइज अगर ऑफ रहेगा तो इसके साथ प्लेन रहेगा ये बटन, इसका पता नहीं रहेगा ऑफ है या ऑन है, ठीक है, इसलिए ये न्यू हो गए। उसके बाद आया था सामने हमारा वॉशरूम, ये वॉशरूम न्यू आया है भाई, ठीक है, ये न्यू है, तो ये वॉशरूम है हमारा, ठीक है, इसमें टाइल वगैरह लगी है, बेडशीट भी लगी है, ये गीजर हमारा पुराना था ये यूज में था इसलिए हमने यूज में ले लिया। ये टॉयलेट सीट आ गया भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं 2-in-1 1-piece बोलते हैं इसको, ये वाला टॉयलेट है हमारा। सो उसके बाद आया था भाई हमारा ये वॉश किचन, ये भी न्यू स्टाइल का वॉश किचन है, ठीक है, ये मार्केट में भी चल रहा है इसीलिए मैं ये भी ले जा रहा हूँ, ये टाइल के साथ मैच भी हो रहा है इसीलिए मैं ये वाला वॉश किचन ले जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आया था हमारा फ्रिज, फ्रिज है भाई, ठीक है, अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये मेरे दादाजी का स्थान है, ठीक है, मेरे दादाजी के जो भाई है उनका स्थान है साथ में, ठीक है, ये सारे टाइल है और ये हमारे काम वाले हैं, झाड़ू झूठू मारे थे भाई, ये हमारा किचन बन गया है, किचन तैयार हो गया, ठीक है, ये सेल्फ हमारे, हमने मॉस बड़ी करवा दी है क्योंकि इधर सीढ़ियाँ थी पहले, ठीक है, इधर सीढ़ियाँ थी उसके कारण किचन बहुत छोटा था, अभी सीढ़ियाँ वगैरह तोड़वा के हमने इस किचन को बड़ा करवा दिया है, ठीक है। और ये टाइल वगैरह न्यू लगी है सारी, जितनी भी टाइल लगी इधर भी सारे बोर्ड न्यू है। और लाइटिंग का भाई मैंने बहुत सही सीन करवाया, लाइटिंग मैंने डबल करवाई है सारी जगह, बिकॉज लाइटिंग से ही घर अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। और ये गैस पे अभी सामान बन रहा है, सामान लाइक प्रसाद बन रहा है, कंच का होगा प्रसाद बन रहा है। और गाइस ये है मेरी दादी, ये तो पुरानी है, नहीं दादी है मेरे को देख रहे हैं, और ये हमारा पुराना रूम है, ठीक है, तो आपने देखा रहेगा सारा, इसमें आपने कुछ भी नहीं करवाया, इसमें सिर्फ छोटा सा काम करवाया है, ये इसका सीमेंट निकल रहा था बहुत सारा, इसलिए यहाँ पे प्लास्टर करवा दिया हमने। और उसके बाद आया था भाई ये हमारे पुराना पुराना जो लैंटर था ना, ये तोड़वाया था मेरे दादाजी ने, ये सारा लैंटर तोड़वाया, हाँ, जिस दिन हमारा लैंटर, हाँ,
दादाजी जिस दिन हमारा ये सब करवाए थे दादाजी ना, उसी दिन दादाजी बीमार हो गए थे, तो तब का ये लैंटर टूटा हुआ था, इसीलिए हमें ये बनवाना बहुत जरूरी था, बिकॉज वॉशरूम टॉयलेट नहीं था भाई घर में, वॉशरूम टॉयलेट ऊपर था, उसके कारण हमारा सीन सारा खराब हो रहा था, और अभी हमने सारा कुछ तैयार करवा दिया, कल ही काम खत्म हुआ, आज में भी ब्लॉग बनाना, बिकॉज आज कंपनी कंच का बिठाने वाली है। सो जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने की आपको दिल से शुक्रिया, ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जुड़े रहिए, पीस आउट, पीस कर दे, आज कर दे, मम्मी से हाय, हाय गाइस, हाय गाइस, अभी तो भाई खिलाया बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सारा कुछ नहीं हुआ है हमारे घर में, और अभी सामान वगैरह लेके आने वाला है, जैसे कि ये बाल्टी इन्होंने ऐसी फेंक दी है, ठीक है, पैर साफ करने के लिए कुछ रखा नहीं है, यहाँ पे मिरर भी नहीं आया, अभी किचन में गीजर भी नहीं आया, अभी कुछ कुछ सामान लेके आने वाला है, सो इसीलिए अभी आपको थोड़ी सी लुक कम दिख रही होगी घर की, अभी मैं टाइल्स वगैरह ही दिखा रहा हूँ, जो जो बना है जिसके कारण मैं नहीं आ पाया था एक्टिव, वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, पहले सीढ़ियाँ इधर थी, इधर सीढ़ियाँ थी और इसके साथ में किचन थी, सो इसके कारण वो किचन छोटी लगती थी, अभी किचन बड़ी लग रही है, सो ये सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से, अभी यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कल काम करके गया है ना मिस्त्री, इसलिए, और यहाँ पे ये वाला सिस्टम, ये बहुत अच्छी लग रही थी जब साफ़ हो गई थी ना ये टाइल्स, मैं आपको इसकी वीडियो दिखा दूँ, फोटो क्लिक की थी मैंने, मैं आपको वो फोटो दिखा दूंगा। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ आ रही थी ना, जो ऊपर आ रही थी सीढ़ियाँ, वो इधर से आके वो इधर आती थी, मैं इधर से निकल के इस मिरर में देखता था, फिर मैं इस रूम में जाता था, दादा दादी होते थे इस रूम में, इसमें बहुत सारा अभी खिलारा पड़ा हुआ है, मैं अभी यहीं पर सोता हूँ बिकॉज अभी सेटिंग नहीं हो रही है ना, क्योंकि कल ही लेबर्स गए हैं, कल ही मिस्त्री गए हैं, भाई अपना काम खत्म करके आज सफाई वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है क्या नहीं, ठीक है। सो ये छोटा सा होम टूर था, और जो भी रहेगा, मतलब अभी मम्मी कंच काय वगैरह बैठाएगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, तो वो भी मैं शूट करूंगा, थोड़ा थोड़ा मेरा काम अभी बाकी है, अभी मेरा घर का काम मतलब ख़त्म हो चुका है, अभी मेरे बाहर के काम है वो मैं करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा, शूट करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा था, मैं ना कहीं निकल ही नहीं रहा था, इसको भाई अलग ही मस्ती चढ़ी है, ओए। सो मैं कहीं निकल ही नहीं रहा था भाई, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था कुछ दिनों से, क्यों भाई, एक डेढ़ मंथ हो गया मेरे को, मैं कहीं निकल ही नहीं रहा था, जहाँ पे मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया था मैंने वो स्टूडियो से भी छोड़ दिया था, बिकॉज काम का सेटिंग ही नहीं आ रहा था, घर बन ही नहीं रहा था भाई मेरे को, ऐसे था कि जल्दी जल्दी घर बन जाए, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, मतलब कहीं मैं जाता हूँ बाहर, अभी मैं सोच रहा हूँ कल मैं बैटल में जाऊँ, सोच रहा हूँ, मैं अभी कन्फर्म नहीं है मेरा, मैं जाने वाला हूँ कल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैटल में जाऊँ, अब भोर में शायद से बैटल है, वहाँ पर मैं जाऊँ बैटल में, थोड़ा एक्सप्लोर करके आऊँ, थोड़ा बैटल करके आऊँ, बहुत टाइम हो गया मैंने डांस भी नहीं किया, मैं स्टूडियो भी नहीं गया हूँ, सो ये था, और जुड़े रहिए, जो जो सीन रहेगा मैं दिखाता रहूँगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, हमारे जो लड्डू गोपाल जी है वो भी हमारे घर पे नहीं थे, बिकॉज हमारे घर में खिलारा पड़ हुआ था भाई बहुत सारा, आज वो भी आने वाला है, सो नैना उनको लेने के लिए गई है, अभी जो साथ वाली भाभी है लाइक सामने रहते हैं ना जो हमारे, उनको दिए हुए थे हमने, क्योंकि उनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी थे, सो आज हमारे घर पे हमारे लड्डू गोपाल जी वापस आ रहे हैं, सो नैना लेके आ रही है उनको, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मम्मी प्रसाद बना रही है भाई, मम्मी प्रसाद वगैरह तैयार कर रही है कंचकाओं के लिए। तुमने किचन बनवा ली है तो साफ कर लो भाई, गंद पा रखा तुमने भैया, सफाई हो रही होली 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 से भाई गंद पाई आ रहे हो, तू 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 घूमी आ रही है यार, काम करा ले, काम करा काम, हाँ सोना कंच का खाने आई है, पहले मैं आ गया, चल ओ बग्गी देवरिया। सो भाई मैं थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करवा लेता हूँ, थंबनेल बनाना भी जरूरी है भाई, तभी तो व्लॉग देखोगे आप लोग। ए आजा हैं, नाके आएगी नाके नहीं, ठंड हो रही है, मुँह हाथ धो के आया और दिन नहावे तू। सो भाई फाइनली ये लास्ट टाइम लग रही है, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ मिस्त्री, हाँ जी, इधर देख, नाम बताया तेरा क्या है? रुपेश बाने हैं, फिर क्या है, क्या नाम है तेरा? रुपेश कुमार, ठीक है, ये लास्ट स्टाइल थी, लास्ट स्टाइल है, चलो ठीक है, थैंक यू भाई, तूने हमारी सारे घर की टाइलें लगा दी।
हंस ना, इधर नहीं देख। नहीं यार मैं हंस ही कर रहा हूँ। Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. सो वेलकम बैक गाइस, आज के व्लॉग को रखते इतना ही। आई होप आपको मजा आएगा। अगर मजा आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट ब्रा।